आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है चैनल पर। हम लोग आपसे TGT PGT ज्योग्राफी के लिए NCERT बेस्ड MCQ हैं उसकी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें MCQ का संग्रह है। आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें और अलग अलग ग्रुप में भी शेयर करें ताकि मोटिवेशन मिलता रहे हमको भी। और ज्योग्राफी के PYQ की सीरीज भी बहुत जल्दी आएगी आपके लिए, तो आप चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? देखिए, पहले पहले पार्ट में हम लोग भारत की स्थिति और आकार से रिलेटेड जितने भी MCQ हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो उसी में पहला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। व्याख्या देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जिसका कुल क्षेत्रफल यह है। इसके बाद क्रमशः मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश का स्थान आता है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। ध्यान देना है, सबसे छोटा राज्य गोवा है। सिक्किम और गोवा में कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन गोवा सबसे छोटा है। क्वेश्चन नंबर टू है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है? कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है? तो यूपी से गुजरेगी नहीं, यूपी तो ऐसे ही हट गया। तो अब बचेगा आपको तीन में कन्फ्यूजन, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, झारखंड से गुजरती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश से भी नहीं गुजरती और उड़ीसा से भी नहीं गुजरती है, झारखंड से गुजरती है। देख लेते हैं व्याख्या। तो कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या 23.5 उत्तरी अक्षांश है, वो भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरता है। ध्यान देना है, 8 राज्यों से, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीस, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य में। और ये क्रम है आपका, ये पश्चिम से पूर्व की तरफ है, और एक क्रम से आप याद कर लें, या तो पूर्व से पश्चिम कर लें या पश्चिम से पूर्व कर लें, तो आपको ईजी रहेगा याद करने में भी, और क्रम से क्रम का सवाल भी पूछेगा तो भी सही हो जाएगा। भारत में माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है। ध्यान देना है, माही नदी है वो कर्क रेखा को दो बार काटती है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जो विषुवत रेखा और एवं मकर रेखा है उसको जो दो बार काटने वाली नदियाँ हैं वो कौन सी हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। क्वेश्चन नंबर थ्री है, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु है, तो भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कौन सा है? गुजरात में राजस्थान में ऑप्शन में वही है, बस यहाँ पर पश्चिमी पूर्वी का पूर्वी देशांतर का अंतर है वो दे रखा है, तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा 68.7 पूर्वी देशांतर गुजरात में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पूर्वी देशांतर गौर माता गुहर मोती जिसे बोलते हैं गुजरात में स्थित है, तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। जबकि मुख्य भूमि का सुदूर पूर्वी बिंदु किवुथू अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। मुख्य भूमि का पूर्वी बिंदु ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की 7 वैनों का सदस्य है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वेरी इजी है ये तो, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार तो होगा नहीं, पूर्वोत्तर की 7 बहनों में त्रिपुरा शामिल है। व्याख्या देख लेते हैं, भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम को 7 बहनों में 7 सिस्टर्स में शामिल किया जाता है। नॉर्थ ईस्ट है, भारत के जियो पोलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय IMT की यमोत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? यहाँ पे पूछा है नहीं गुजरती है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो जो राइट यहाँ से जो यमोत्तर रेखा है वो आपकी यूपी से गुजरती है, मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी, उड़ीसा से भी, और आंध्र प्रदेश से भी, तो बच्चा महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र से नहीं गुजरती, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो इनमें से जो भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है वो है ऑप्शन डी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। वैसे भी आप लॉजिक लगा सकते हैं क्योंकि छोटे छोटे टापू बहुत सारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, तो यही हो जाएगा सबसे बड़ा।
और इसके बाद क्रमशः दिल्ली, पांडिचेरी, दादरा नगर हवेली, चंडीगढ़, दमन दीव, लक्षद्वीप और दादरा नगर हवेली का जो विलय है वो कर दिया गया है। तो आप करंट सिचुएशन है वो इसकी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना क्या रहेगी। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में सातवां स्थान है और ठंडी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। व्याख्या देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के पश्चात सातवां स्थान है। इसका क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है, निम्न में से सूर्य की किरणें ऊर्ध्वाधर पड़ती हैं, तो सूर्य की किरणें ऊर्ध्वाधर कहाँ पर पड़ेंगी? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, श्रीनगर। यहाँ पे तो पड़ेंगी नहीं, चेन्नई तो ट्रॉपिकल रीजन में पड़ता है और तिरुवनंतपुरम भी ट्रॉपिकल रीजन में पड़ता है और मुंबई भी आपका ट्रॉपिकल में पड़ेगा, तो यहाँ पर ऊर्ध्वाधर नहीं पड़ेंगी और श्रीनगर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से स्पर्श नहीं करती है? म्यांमार से इनमें से किसकी सीमा नहीं लगती है? नाइन का राइट आंसर हो जाएगा असम। असम से म्यांमार की सीमा नहीं लगती, मणिपुर से लगती है, अरुणाचल प्रदेश से भी, मिजोरम से भी और इनके अलावा त्रिपुरा से भी लगती है, लेकिन नागालैंड से भी लगती है लेकिन असम से नहीं लगती। संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी की सीमा किस राज्य के साथ स्पर्श नहीं करती? राइट आंसर इसमें हो जाएगा, आपको बताना है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। तो कहाँ कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल इन राज्यों में इसका विस्तार है पांडिचेरी का, छोटे छोटे टापू के द्वीपों के रूप में, लेकिन कर्नाटक में नहीं है। नेक्स्ट है, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना अधिक है? तो भारत का क्षेत्रफल लगभग 4 गुना अधिक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का सुदूर दक्षिण बिंदु क्या है? तो भारत का सुदूर दक्षिण बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट, ये ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, वहाँ पर स्थित है। 2004 में सुनामी लहरों के कारण यह समुद्र में जलमग्न हो गया है। वर्ष 1984 से पहले इस बिंदु को पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के रूप में नाम से जानते थे, जबकि वर्तमान में उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल जम्मू कश्मीर में है। तो इंदिरा कौल है वो जम्मू कश्मीर में है, इंदिरा पॉइंट है वो अंडमान निकोबार में था, लेकिन अभी वो जलमग्न हो चुका है। किस देश के साथ भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो किस देश के साथ भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बांग्लादेश। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों से लगती है? पश्चिम बंगाल की सीमा है वो कितने देशों से लगती है? ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 3 देशों से, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर मिलते हैं? तो ये मिलते हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए कन्याकुमारी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर तीनों सागर मिलते हैं। भारत के निम्न में से राज्यों के समूह में कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो जम्मू कश्मीर की सीमा पाकिस्तान से लगती है, हिमाचल की नहीं लगती, तो पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। पंजाब हरियाणा ये नहीं लगती, तो ये नहीं होगा इसमें, हिमाचल प्रदेश ये भी नहीं होगा, तो बी आंसर राइट, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा क्षेत्रफल किसका है? तो इनमें से जो सबसे छोटा है वो लक्षद्वीप है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है भारत? तो भारत स्थित है उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी देशांतर इसमें हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य के तीन ओर से बांग्लादेश की सीमा लगी है? तो वो है जो तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा है वो है त्रिपुरा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? भारत की देश की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर, पूरब से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है, 82.30 पूर्वी देशांतर को भारत का मानक यामोत्तर माना गया है। ए और बी दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, तो थोड़ी सी पहला इसमें सही हो जाएगा,
उत्तर भारत, उत्तर से दक्षिण 3,214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम 2,933 किलोमीटर लंबाई विस्तृत है। तो यहाँ पे क्या दिया है, भारत देश की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक लंबी है, उत्तर से दक्षिण है वो। हाँ बिल्कुल सही है पहला। और दूसरा क्या है यहाँ पर, मानक याम उत्तर गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थान 2 घंटे का अंतर है, और ये दूसरा भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अधिकतम राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करने वाले राज्यों का क्या, राज्य का क्या नाम है? तो वो है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। नेक्स्ट है, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो भारत में सबसे छोटा दिन है वो कब होता है? तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 22 दिसंबर। निम्न में से कौन सा राज्य झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? झारखंड के साथ नहीं करता है कौन सा राज्य? तो झारखंड के साथ राज्यों की जो सीमा लगती है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, लेकिन मध्य प्रदेश नहीं है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत तथा पाकिस्तान की मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। तो किस प्रकार की सीमा रेखा है? यहाँ पे देखते हैं थोड़ी व्याख्या। दो या दो से अधिक देशों के मध्य वैसी सीमा रेखा जिसका निर्धारण किसी बाहरी शक्ति ने किया हो उसे अध्यारोपित सीमा रेखा बोलते हैं। तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। उदाहरण भारत पाकिस्तान, भारत चीन के मध्य जो सीमा रेखा है ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा निर्धारित है, इसलिए इसको अध्यारोपित सीमा रेखा बोलते हैं। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश और कहाँ से भी गुजरता है? तो यहाँ पर जो सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश है वो राजस्थान से होकर भी गुजरेगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर पश्चिम में भारत की भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगती हैं? कहाँ पर? उत्तर पश्चिम में। तो उत्तर पश्चिम में कहाँ, किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ में। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर पश्चिम में भारत की भूमि सीमाएं पाकिस्तान देश के साथ लगी हुई हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। किरथर, सुलेमान और हिंदुकश यहाँ की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं। भारत के दक्षिण में श्रीलंका एवं उत्तर पूर्व में बांग्लादेश व म्यांमार की सीमा साझा करती है। तो ये हुए एनसीईआरटी से रिलेटेड एमसीक्यू आपके लिए पार्ट 1। पार्ट 2 कल आपको मिल जाएगा। तो आप चैनल के साथ जुड़े जरूर रहें, और जो ज्योग्राफी की क्विज है उसके साथ आपको जुड़ना है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए पीजी की क्विज है वो की जाती है, तो आप उसे जरूर ज्वाइन कर लें। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।